हैंडसम अभिनेता विनोद मेहरा। विनोद मेहरा का फिल्मी करियर तो लगभग ठीक ठाक ही रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में हमेशा उथल पुथल मची रही और पर्सनल लाइफ से भी ज्यादा उलझने रही मैरिटल लाइफ में। विनोद मेहरा की पहली शादी मीना नाम की लड़की से हुई, जो उनके घर वालों की पसंद की लड़की थी। शादी के बाद विनोद मेहरा को एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से प्यार हो गया और दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भाग कर शादी कर ली। जहां उनकी पहली पत्नी मीना इस शादी के कारण घर छोड़कर चली गई, वहीं कुछ समय बाद बिंदिया ने भी विनोद मेहरा को छोड़कर डायरेक्टर जेपी दत्ता संग फेरे ले लिए। और ज्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए विनोद मेहरा ने फौरन रेखा से आंख में चोली खेलनी शुरू कर दी और कुछ दिनों बाद शादी कर ली। और जब विनोद मेहरा रेखा को लेकर अपने घर पहुंचे तो उनकी मां ने रेखा को अस्वीकार करते हुए चप्पलों से पीटकर घर से निकाल दिया। रेखा वापस अपने घर आ गई और ये रिश्ता भी यहीं खत्म हुआ। अंततः 1987 में विनोद मेहरा ने चौथी शादी की किरण के साथ। ये शादी इतनी तो टिकी कि उनके दो बच्चे हो गए। यहीं दीवाने नजर चैनल आपको अवगत कराता है कि उन दिनों विनोद मेहरा गुरुदेव फिल्म का निर्माण कर रहे थे, तभी 10 अक्टूबर 1990 को सिर्फ 45 साल की उम्र में हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई।